अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्निंग सीरीज स्टिल एंड येट, जो कि एक बहुत ही ज्यादा कॉमन वर्ड्स हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस में आपको ये वर्ड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेंटेंस बनाते टाइम हम स्टिल का और येट का कहाँ कहाँ यूज करते हैं? अगर आपको आइडिया नहीं है कि सेंटेंस में स्टिल को या येट को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी कि सेंटेंस में स्टिल को और येट को किस तरह से यूज किया जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, आपने वीडियो को जरूर पूरा देखना है, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर आप कोई ना कोई चीज मिस कर देंगे और जब आप सेंटेंस बनाएंगे तब आपको समझ में नहीं आएगा कि स्टिल को और येट को किस तरह से यूज करना है, क्योंकि मैं एक प्रॉपर फॉर्मूले के थ्रू आपको समझाऊंगी और बहुत ही आसान तरीका होगा और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप आईकॉम के स्टूडेंट हैं, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम आईटी या फिर बीबीए कर रहे हैं, तो आप मेरे सेकंड चैनल पर जरूर विजिट करें, उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलें फिर आज का लेसन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें स्टिल का मीनिंग आना चाहिए कि स्टिल का मतलब क्या है और इसको सेंटेंस में किस तरीके से यूज किया जाता है। तो स्टिल का मतलब, जैसे आपको पता है कि इसका मतलब होता है अभी तक, और अभी तक से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस तरह के आपने सेंटेंस सुने होंगे, मैं अभी तक नहीं गया, या फिर वो अभी तक नहीं आया, मैं अभी तक वही काम कर रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें अभी तक का वर्ड यूज होता है, तो आपको सबसे पहले ये माइंड में रखना है कि उस सेंटेंस में स्टिल का वर्ड यूज होना ही है, क्योंकि अभी तक के लिए तो हमें स्टिल का वर्ड यूज करना है। लेकिन अब वो स्टिल का उस सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल होगा, अब आपको मैं वो बताती हूँ। आप एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आप इसको बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनते हैं और इसको अपने माइंड में बिठाते हैं, तब आप किसी भी तरह का फॉर्मूला जो कि स्टिल से रिलेटेड होगा आसानी से आप बना लेंगे। तो सेंटेंस अगर एफर्मेटिव हो, एफर्मेटिव का मतलब आपको पता है, अगर नहीं पता तो एफर्मेटिव का मतलब होता है एक नॉर्मल सेंटेंस, यानी कि जिसमें पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिव बात होती है, एक नॉर्मल रूटीनली कोई भी बात हम करते हैं, तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं एफर्मेटिव। और नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम नहीं का यूज करते हैं, यानी कोई भी ऐसी बात जिसमें हम किसी को मना कर रहे हैं, तो इस तरह के सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और इसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं, जैसे WH फैमिली के जितने भी वर्ड्स होते हैं उनका जहां जहां यूज होता है। WH वर्ड्स का आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं एक डिटेल में उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। WH वर्ड्स होते हैं वो बेसिकली किसी से सवाल पूछने के लिए हम W से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे वेयर, व्हाट, व्हेन, हूज, इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनको WH फैमिली वर्ड्स कहा जाता है। तो ऐसे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। अब यही तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो कि हम अपनी डेली रूटीन में यूज करते हैं, या तो पॉजिटिव बात करते हैं या नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव। इन तीनों के लिए छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, आप उनको माइंड में रखें। सबसे पहले एफर्मेटिव अगर सेंटेंस बनाना है आपने, यानी कि कोई भी पॉजिटिव बात करनी है, तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आपने याद कर लेना है, और बहुत बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है। क्या फॉर्मूला है वो? टेंसेस के बारे में थोड़ी बहुत भी नो हाउ है तो वेल डन, अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो टेंसेस के ऊपर भी मैं इंशाल्लाह ताला जल्द ही वीडियो स्टार्ट करती हूँ बनाना, क्योंकि अभी तक मैं जस्ट आपको सेंटेंसेस आपके साथ शेयर करी थी छोटे छोटे डेली रूटीन के, लेकिन वो किस तरह से बनाने होते हैं वो भी मैं आपको जल्द ही बनाना सिखाऊंगी। टेंसेस जब आपको आ जाएंगे तब आप आसानी से खुद ही सेंटेंस बना सकेंगे। इतना तो आपको आइडिया होगा कि जब सेंटेंस बनाया जाता है तो एक उसमें सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, एंड देन ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर जब आप एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जहां पर आप हेल्पिंग वर्ब आप यूज करते हैं उसके बाद आप स्टिल का यूज करेंगे, ठीक है, और बाकी का तमाम सेंटेंस वैसे ही रहेगा। यानी कि जहां पर आप हेल्पिंग वर्ब देख लेंगे, इज, एम, आर, इस तरह के जितने भी हेल्पिंग वर्ब आपको मिल जाएंगे, उसके बाद आपने फौरन से स्टिल लगा देना, आपका सेंटेंस बाकी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो था एक एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। अगर नेगेटिव सेंटेंस आप कहीं देखते हैं जहां पर नहीं का वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन अभी तक आपने देख लिया, अभी तक का वर्ड है उस सेंटेंस में, तब आपका क्या फॉर्मूला होगा? जो भी आप सेंटेंस बनाते हैं, एक नॉर्मल जो सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस से सबसे पहले स्टिल आ जाएगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं जिसमें सवाल पूछते हैं कोई भी, तो उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला है? जब हम सब्जेक्ट लगाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हम स्टिल का यूज करेंगे। अब हम मजीद डिटेल में समझने के लिए हम इन तीनों कैटेगरी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, और हर कैटेगरी में दो या तीन सेंटेंसेस हम लेंगे और उस सेंटेंस में हम स्टिल का यूज देखेंगे।
ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए और आसानी से समझ में आ जाए कि अब ये सेंटेंस बनेंगे किस तरह। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस ही हम ले लेते हैं, एक जुमला हम ले लेते हैं, वो अभी तक यहीं है या फिर वो अभी तक यहीं पर है। तो इस तरह की जितनी भी हम बातें डेली रूटीन में करते हैं उसको एफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले कहा जाता है, वो एक पॉजिटिव बात है। तो सेंटेंस में हमने देखा अभी तक की बात है तो इट्स मीन स्टिल लगना है। तो फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था एफर्मेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद स्टिल लगाया जाता है, तो उस फॉर्मूले को याद करें। अब हमने क्या जुमला बनाया था, वो अभी तक यहीं पर है या वो अभी तक यहीं है। अभी तक को जरा आप साइड पे कर दें और एक नॉर्मल जुमला बनाएं, वो यहीं है, शी इज हियर। ये हम बात करते हैं, सब्जेक्ट हो गया शी, कि जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है शी, और इस जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने फॉर्मूले में देखा था हेल्पिंग वर्ब के बाद स्टिल लगता है, तो शी इज स्टिल हियर। बस हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, मतलब कि स्टिल अब आपने यूज करने के लिए छोटा सा बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, स्टिल हेल्पिंग वर्ब के बाद लग जाएगा एफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर आप कहना चाहते हैं वो अभी तक सो रहा है, तब आप समझ जाएंगे एफर्मेटिव सेंटेंस है और स्टिल जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, अगर हम कॉमन में वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, तो इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद स्टिल आएगा, तो ही इज स्टिल स्लीपिंग, सेंटेंस कंप्लीट है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं अभी तक काम कर रहा हूँ, अगर अभी तक को साइड पे कर दें तो जुमला क्या बनता है, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन सेंटेंस में अभी तक का यूज कर लिया तो अब स्टिल जो है वो एम के बाद लग जाएगा, आई एम स्टिल वर्किंग। तो इस तरह से आपने सेंटेंस में एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद स्टिल लगाना है। अब एफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए हैं, अब नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आए कि नेगेटिव कैसे बनते हैं। उसका हमने फॉर्मूला देखा था कि जो भी सेंटेंस होगा स्टार्ट में स्टिल लग जाएगा तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला नेगेटिव सेंटेंस है, तुमने अभी तक मुझे फोन नहीं किया। ये एक आपको पता चल रहा है नहीं का वर्ड है, तो इट्स मीन नेगेटिव सेंटेंस है और सेंटेंस में सबसे पहले हमारा स्टिल लगता है। तो सेंटेंस में हम क्या करेंगे, अब अभी तक को साइड पर कर देते हैं और नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं। तुमने मुझे फोन नहीं किया, You did not call me, ये तो नॉर्मल हो गया। अब आपने देखना है अभी तक है तो स्टिल सबसे पहले लग जाएगा, तो सेंटेंस कैसे कंप्लीट होगा, Still you did not call me, तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। सेकेंड हम ले लेते हैं सेंटेंस, उसने अभी तक पैसे नहीं दिए। अगर हम अभी तक को साइड पर करते हैं तो जुमला क्या बनेगा, He did not give money। आप देखें जब अभी तक यूज होगा तो स्टिल पहले आ जाएगा, स्टिल ही डिड नॉट गिव मनी, उसने अभी तक पैसे नहीं दिए। आई होप आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, इजी लग रहा होगा सेंटेंस बनाना। अगर आप कहना चाहते हैं वो अभी तक नहीं गया, इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, अगर अभी तक को हटा देते हैं, ही हैज नॉट गॉन। अगर अभी तक का यूज कर लिया तो स्टिल पहले लग जाएगा, स्टिल ही हैज नॉट गॉन। अब एक और ले लेते हैं हम सेंटेंस, इसने अभी तक ये काम मुकम्मल नहीं किया। अगर हम अभी तक को नहीं देखते तो बाकी जुमला क्या होगा, He has not completed this task, उसने ये काम कंप्लीट नहीं किया। अब अभी तक आ गया तो स्टिल स्टार्ट में लग जाएगा, Still he has not completed this task, अभी तक उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया। तो इस तरह से जितने भी आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं स्टिल से रिलेटेड आप ऐसे बनाएंगे। अब आगे लास्ट हमारा पार्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव यानी कि जिसमें हम सवाल पूछते हैं, व्हाट का यूज होता है, वेयर का यूज होता है, हुज का यूज होता है। तो उसके लिए हमने देखा था कि कैसे बनेगा, सब्जेक्ट जब आएगा उसके बाद हमने स्टिल यूज करना है। फर्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं हम कि क्या तुम अभी तक सो रहे हो। अगर हम अभी तक को हटा देते हैं, क्या तुम सो रहे हो, इसकी इंग्लिश क्या होती है, आर यू स्लीपिंग। और अगर हम अभी तक का वर्ड यूज कर देते हैं तो हमने कहा था कि स्टिल कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, जो कि काम जो कर रहा होता है, मेजर जो बंदा होता है वो होता है सब्जेक्ट। तो यू जो है वो सब्जेक्ट है, यू के बाद स्टिल ऐड होगा। तो सेंटेंस कैसे कंप्लीट होगा, आर यू स्टिल स्लीपिंग, इस तरह से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। अगर हम कहते हैं कि क्या तुम अभी तक जाग रहे हो, तब हम कहेंगे आर यू स्टिल अवेकिंग। या आप कहना चाहते हैं कि क्या वो अभी तक उदास है, इज ही स्टिल सैड। इस तरह से आप सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाएंगे। तो ये डिटेल में स्टिल से रिलेटेड था। अब आप, मुझे पता है कि आप आसानी से बना लेंगे, जुमले बना सकते हैं अगर आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ, अगर आपने सुनी है वीडियो तो आप जरूर बना लेंगे।
नेक्स्ट आप देखें कि येट किस तरह से सेंटेंस में यूज होता है। येट का मतलब होता है अब तक, जैसे स्टिल का मतलब होता है अभी तक, येट का मतलब होता है अब तक। दोनों तकरीबन सेम है, हम दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि जैसे हमने स्टिल का फॉर्मूला देखा था, तो सेम अगर हम येट लगाना चाहते हैं तो हम येट को उस जगह यूज कर लेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये उससे भी ज्यादा आसान फॉर्मूला है इसका। जब ऐसा सेंटेंस हो जिसमें अब तक का वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, या फिर आप चाहते हैं येट लगाना सेंटेंस में, अगर आप चाहते हैं कि आप स्टिल का यूज नहीं करना चाहते, येट का यूज करना चाहते हैं क्योंकि दोनों का सेम ही मतलब है, तब आप येट को सिर्फ दो जगह पर लगा सकते हैं। जितनी भी तरह के सवाल हो, तीनों कैटेगरी में आप दो ही जगह यूज कर सकते हैं। या तो आप स्टार्ट में लगाएंगे सेंटेंस के स्टार्ट में येट का यूज करेंगे, या फिर आप लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में येट लगाएंगे। और वो भी जरूरी नहीं है, एक कंपल्सरी नहीं है कि आपने स्टार्ट में कब कब लगाना है और लास्ट में कब कब लगाना है। नहीं, आप जितनी भी तरह के तीनों कैटेगरी में जो सेंटेंस बनाना चाहते हैं, अपनी मर्जी आपकी। आप स्टार्ट में यूज करना चाहते हैं स्टार्ट में येट लगा लें, लास्ट में लगाना चाहते हैं लास्ट में लगा लें, तो ये आपकी अपनी मर्जी है। इसमें भी हम तीनों तरह के सवाल लेते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव ले लेते हैं, तो हमने देखा कि या तो स्टार्ट में येट लगेगा या फिर लास्ट में लगेगा। तो हम सेंटेंस एक ले लेते हैं, वो अब तक काम कर रहा है, वो अब तक काम कर रहा है। अगर हम स्टिल का यूज करना चाहते हैं तो इसमें सेंटेंस होता है वो अभी तक काम कर रहा है, तो हम दोनों का यूज कर सकते हैं, स्टिल भी और येट भी। तो यहाँ पर है ही इज वर्किंग, अगर हम अब तक को हटा देते हैं तो आ जाएगा ही इज वर्किंग, वो काम कर रहा है। अब तक का यूज आ गया और आप येट लगाना चाहते हैं, तो या तो आप फर्स्ट में लगा दें या फिर लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। या तो आप कहें येट ही इज वर्किंग या फिर ही इज वर्किंग येट, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट है। और अगर आप स्टिल का यूज करना चाहेंगे, तब आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद स्टिल लगता है, तो आप क्या करेंगे, ही इज स्टिल वर्किंग, इस तरह सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। अब आप देखें कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। आपको पता है कि मैंने बता दिया स्टार्ट में या फिर एंड में येट का यूज होगा, वो अब तक नहीं आया। अगर हम अब तक को यूज नहीं करते तो वो नहीं आया की इंग्लिश होती है ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम, और अब तक यूज हो जाएगा, तो येट को स्टार्ट में लगा दें या फिर लास्ट में लगा दें, येट ही डिड नॉट कम या फिर ही डिड नॉट कम येट। तो इस तरह से आपने सेंटेंस बनाने हैं। और लास्ट में हमारा इंटरोगेटिव है, यानी जिसमें हम कुछ पूछते हैं, कोई सवाल करते हैं, तो वो किस तरह से होगा, सेम वैसे ही होगा, स्टार्ट में या तो येट को यूज करें या फिर लास्ट में यूज करें। तो सेंटेंस हम ले लेते हैं कि क्या वो अब तक फारिग है, ठीक है। अगर हम अब तक को हटा देते हैं तो सेंटेंस होगा क्या वो फारिग है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे इज ही फ्री। और अगर हम अब तक का यूज कर लेते हैं तो हमें फौरन से आ जाएगा, या तो हम स्टिल का यूज कर सकते हैं या फिर येट का यूज कर सकते हैं। स्टिल का यूज करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद स्टिल लगाएंगे, और अगर येट यूज करना चाहते हैं तो या तो स्टार्ट में येट लग जाएगा या फिर लास्ट में। तो हम येट कैसे लगा सकते हैं, येट इज ही फ्री या फिर इज ही फ्री येट। और स्टिल का अगर यूज करना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे, इज ही स्टिल फ्री, ही हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद स्टिल एड हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं या फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, तो स्टिल से रिलेटेड तो आप आसानी से जुमले बना सकते हैं, येट का भी यूज आप कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इंग्लिश लर्निंग सीरीज को सब्सक्राइब करें।